1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह के विजय के अवसर पर आज वीर कुंवर सिंह आज़ादी पार्क में आयोजित राजकीय समारोह में राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी आदमकद प्रतिमा पर माला अर्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। आपको बता दें कि इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, वित्त मंत्री, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्रीमती लेसी सिंह, विधान पार्षद संजय सिंह, पूर्व मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर, बिहार राज्य नागरिक परिषद के पूर्व महासचिव श्री अरविंद कुमार, राज्य खाद्य आयोग के पूर्व सदस्य नंदकिशोर कुशवाहा, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य शिवशंकर निषाद, जदयू नेता ओम प्रकाश सहित कई अन्य राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। बता दें कि इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा आरती पूजन, भजन कीर्तन, बिहार गीत एवं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने सहकारी भूमि विकास बैंक समिति परिसर में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह की नवनिर्मित प्रतिमा पर अनावरण किया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ के अध्यक्ष और विधान पार्षद विजय कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री को पगड़ी और अंग वस्त्र फूलों की माला पहना कर तथा तलवार एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया है। इस अवसर पर वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह, अन्य राजनीतिक दल के कई नेता मौजूद थे। बता दें कि कार्यक्रम के पश्चात पत्रकारों द्वारा वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव के संबंधित पूछे गए प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि वीर कुंवर सिंह जी का यह कार्यक्रम हर साल आयोजित किया जाता है, आज यहाँ भी लोगों ने हमें बुलाया है। इन लोगों ने बाबू वीर कुंवर सिंह जी की मूर्ति स्थापित की है और ये बहुत खुशी की बात है। बाबू वीर कुंवर सिंह के देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है, ये सभी लोग को मालूम है। राजनीति में मिट्टी में मिलाने के पत्रकारों के सवाल पर भी मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जो ऐसा कहते हैं उनसे कह दीजिए कि वो हमें मिट्टी में मिला दे, हम कभी भी इस तरह का बात नहीं बोलते हैं।